नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, हम आपको आज कक्षा सातवीं का सरोवर भाग का पाठ जो है आप भले जग भला का जो है ना एक्सप्लेन यानी कि प्रश्नोत्तरी भाग आपके सामने लेकर के आए हैं। तो आइए हम प्रश्नों को धीरे धीरे देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे मौखिक प्रश्नों को और उसके बाद आप देखेंगे लिखित प्रश्नों को। तो कंप्लीट अभ्यास मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। तो आइए पहले देखेंगे हम मौखिक प्रश्नों को। महल में भटके हुए कुत्ते को चारों ओर कुत्ते ही कुत्ते क्यों दिखाई दे रहे थे? तो कुत्ते को महल में हजारों कांच के टुकड़ों में अपनी शक्ल के हजारों कुत्ते दिखाई दे रहे थे। प्रिय विद्यार्थियों, यदि चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबा लें। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लगता है तो भाई कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक कमेंट है वो मेरे लिए बहुत कीमती है। मेरा हौसला है आपके कमेंट से ही बढ़ता है, तो आप ज़रूर लिखा करें। अगला प्रश्न है, भौंकने वाले कुत्ते का अंत क्या हुआ? कुत्ता बहुत जोर जोर से चिल्लाया, भौंका और अंत में घस खा करके गिर पड़ा। अगला प्रश्न है, लेखक ने किन लोगों को दुनिया से दूर जंगल में चले जाने की सलाह दी है? भाई जो लोग बात बात पर गुस्सा करते हैं, रोने लगते हैं, लेखक ने उन्हें दुनिया से दूर कहीं जंगल में चले जाने की सलाह दी है। अगला प्रश्न है, बापू ने सीमेंट किसे कहा है? तो बापू ने सीमेंट अहिंसा को कहा है। अगला प्रश्न, लेखक के मित्र का रसोईया क्यों भाग गया? रसोईये को सुबह से लेकर शाम तक अपने मालिक की डांट खानी पड़ती थी, इसलिए वह बिना बताए घर छोड़ करके भाग गया। अब करते हैं लिखित प्रश्न। पहला प्रश्न है, लेखक को अपने मित्र को देखकर किस मसले का स्मरण हो आता है? लेखक को अपने मित्र को देख करके एक घटना का स्मरण आता है। वह अपने रसोईये से हमेशा झिड़कियों में बात करता था, वह उसके साथ प्रेम से बात नहीं करना जानता था, इस कारण वह परेशान होकर के उसका रसोईया बिना बताए घर से भाग गया था। कांच के महल के माध्यम से लेखक क्या सीख देना चाहता है? कांच के महल के माध्यम से लेखक बताना चाहता है कि लोग बेवजह ही कुत्ते की भांति भौंकना शुरू कर देते हैं। यदि सभी प्रेम पूर्वक एक दूसरे से व्यवहार करें तो उन्हें सामने वाले से भी प्रेम ही मिलेगा। अतः लेखक यह समझाना चाहता है कि हमें जानवरों की तरह नहीं मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। अगला प्रश्न है, बेचारा कुछ रुपए का नौकर यंत्र नहीं बन सकता, इन पंक्तियों द्वारा लेखक क्या बताना चाहता है? लेखक का मित्र अपने नौकर को बार बार प्रताड़ित करता रहता है, उसे सारा दिन झिड़कियां देता रहता है। इस पर लेखक कहता है कि वह बेचारा यंत्र नहीं है, वह भी हमारी तरह ही है, उसकी भी भावनाएं हैं, हमें दूसरों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, पाठ में बापू के किन गुणों की चर्चा की गई है और क्यों? भाई बापू प्रेम और सहानुभूति की मूर्ति थे, उन्होंने सत्य और अहिंसा की चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए और उन्होंने प्रेम पूर्वक सबसे मिलकर रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सबसे प्रेम पूर्वक और मिल करके रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, लेखक ने पाठ में अमेरिकी लेखक इमर्सन की किस घटना का जिक्र किया है? तो लेखक को अमेरिका के मशहूर लेखक की जो है ना इमर्सन की घटना याद आती है। बारिश आने वाली थी, सभी गायें अंदर चली गई थी, लेकिन बस एक बछड़ा बाहर रह गया था। इस पर इमर्सन और उसका लड़का दोनों मिलकर के बछड़े को धकेलने लगे, ये ना धड़कने लगे नहीं भाई धकेलने लगे आएगा, ये मिसप्रिंट है, कि कुटी में चला आए। यह देखकर एक बूढ़ी नौकरानी उधर से निकली, उसने अपना अंगूठा ये ना बच्चे के मुंह में नहीं भाई बछड़े के मुंह में प्यार से डाल करके उसे झोपड़ी की तरफ ले जाने लगी। बछड़ा चुपचाप अंदर चला गया। बूढ़ी नौकरानी पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन प्यार की भाषा समझती थी।
जब जानवर प्रेम की भाषा समझते हैं तो फिर मनुष्य क्यों नहीं समझते। अगला प्रश्न है, सही और गलत का निशान लगाना है तो कुत्ता कहाँ घुस गया था? भाई कुत्ता कांच के महल में घुस गया था। दूसरा कुत्ता किसके साथ खेल रहा था? तो दूसरा कुत्ता है वो अपनी छाया के साथ खेल रहा था। सरदार पृथ्वी सिंह ने कौन सा मार्ग त्याग कर बापू को समर्पित किया था? तो ये है भाई हिंसा का मार्ग जो है ये लगेगा, ये आप निशान लगा ले हिंसा का मार्ग। और अगला है इमर्सन, बापू ने सरदार पृथ्वी सिंह को कहाँ आने के लिए कहा? तो ये है ना सेवाग्राम, पहला ही इसका ऑप्शन है, इस पर आप निशान लगा लेंगे। इमर्सन किसको पकड़कर खींचने लगा? तो ये गाय के बछड़े को, इस पर आप थर्ड पे आप सेकंड पे आप निशान लगा लें। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये जो ब्रैकेट में दिए गए हैं ना भाई ये रिक्त स्थान है। सब कुत्ते भी अधिक जोर से भौंकते हुए दिखाई दिए, आप हमेशा लोगों के ऐबों की ओर देखते हैं, दूसरों के अवगुणों पर टोका टिप्पणी करना बंद कर दें, तभी मैं समझूंगा कि आपने अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया है। बछड़ा चुपचाप कुटी के अंदर चला गया। अगला प्रश्न भाषा कौशल का, भाई इसमें रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार होते हैं, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है। सरल वाक्य भाई जिसमें एक मुख्य क्रिया होती है, महल में एक दूसरा कुत्ता आया। संयुक्त वाक्य दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य और समुच्चयबोधक योजकों द्वारा जुड़े हुए होते हैं, वह दौड़ी दौड़ी आई और उसने अंगूठा बछड़े के मुंह में डाल दिया। मिश्र वाक्य, मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं, जैसे वे मानते हैं कि उनका जीवन आदर्श है। तो आपको क्या करना है, प्रत्येक भेद का दो दो उदाहरण चुनना है। सरल वाक्य, दुनिया कांच के महल जैसी है, दुनिया में पूर्ण कौन है? अगला संयुक्त वाक्य है, बेचारा कुत्ता जोर जोर से उछला कूदा, भौंका और चला गया। कांच, दुनिया कांच के महल जैसी है, अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। मिश्रित वाक्य, जिन लोगों की कहीं किसी से नहीं बनती अक्सर वे हमारे पास आ जाते हैं, उन्होंने प्रेम और सहानुभूति से कितने ही व्यक्तियों को अपनी ओर खींचा है। तो अगला है निम्नलिखित स्थानों पर नुक्ता लगाना है। नुक्ता बोले तो भाई जो है ना उर्दू के शब्द है ना उन पे जो बिंदु लगाया जाता है उसको हम नुक्ता कहते हैं। देखिए यहाँ नज़र है तो जय के नीचे नुक्ता लगेगा, तारीफ है फै के नीचे नुक्ता लगेगा, इसी तरह से तरफ है तो तरफ में भी फै के नीचे नुक्ता आप लगाएंगे, जिंदगी है जय के नीचे नुक्ता आप लगाएंगे, नाराज है जय के नीचे आप नुक्ता लगाएंगे, और जोर में भी जय के नीचे आप नुक्ता लगाएंगे। अगला है विराम चिन्हों का, गलत विराम चिन्हों का के स्थान पर आपको सही विराम चिन्ह लगाने हैं। देखिए उसका दिल धड़कने लगा, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, पूर्ण विराम आएगा। दूसरे वाक्य में आपको दिखाई दे रहा है दुनिया में पूर्ण कौन है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, दुनिया में पूर्ण कौन है। साग में नमक बहुत डाल दिया, ये ना बहुल नहीं आएगा, बहुत डाल दिया बेवकूफ, तो साग में नमक बहुत डाल दिया, अर्धविराम और फिर विस्मयादि सूचक चिन्ह आएगा। वह दौड़ी दौड़ी आई, तो इसमें कोई चिन्ह नहीं लगाया गया है, इसमें पूर्ण विराम आएगा। मैं समझ गया बापूजी, मैं समझ गया बापूजी, देखिए इस तरह से आपको इसमें ना उद्धरण चिन्ह का प्रयोग भी मिलेगा और अल्पविराम का भी प्रयोग मिलेगा। गाय अंदर चली गई पर बछड़ा बाहर रह गया, तो गाय अंदर चली गई यहाँ आपको अल्पविराम लगाना है, पर बछड़ा बाहर रह गया पूर्ण विराम लगा देना है। इसके बाद जो है अगला जो प्रश्न है इसमें विराम चिन्ह किसे कहते हैं? उपवाक्यों और शब्दों पर जहाँ जितना विराम उपेक्षित हो सूचित करने वाले चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के जो भेद हैं ये आप लिख लीजिएगा, पूर्ण विराम है, अर्ध विराम है, जो है ना अल्प विराम है, प्रश्न सूचक है, योजक है, विभाजक है, विस्मयादि सूचक है। इन सब की परिभाषाएँ भी आपकी पुस्तक में दी गई हैं, आप इनको भली प्रकार से लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों ये जो है ना हमने आपका आज का अभ्यास है जो कर लिया है, आपको यदि अच्छा लगता है तो भाई कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे करके
मुझे कृतार्थ करें। मिलेंगे आपके नए लेसन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।